आज हम बात करेंगे इंडिया मालदीव रिलेशनशिप के बारे में। और ये टॉपिक हो जाता था एसएसबी के लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पूछा जाएगा आपसे जीडी में, एक जीडी टॉपिक की तरह, और पर्सनल इंटरव्यू में और लेक्चरेट में। अब देखिए, इसके बारे में डीप एनालिसिस होनी क्यों जरूरी है। देखिए, एसएसबी जो लोग गए हैं 2 से 3 4 5 बार, उन्हें ये बात क्लियरली पता होगी कि एसएसबी इंटरनेशनल रिलेशनशिप पे क्वेश्चन जरूर पूछता है, और वो खासकर जिससे इंडिया पे डिपेंडेंसी हो। रिसेंटली मैं तो ये कहूंगा कि एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछ दिया गया था बैंगलुरु में CTech 52 में, कि आपको जो टॉपिक रिसेंट पता हो उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज हमें बताइए। ठीक है, अब अगर आपको ये टॉपिक पता था बहुत अच्छी बात है। और खास बात ये होती है कि आप किसी चीज को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और लॉजिकली बताते हैं, तो कहीं ना कहीं आ रहे आपकी जो रीजनिंग एबिलिटी, एक OLQ होती है, वो उभर के आती है। चलिए हम फटाफट आगे बढ़ते हैं। इंडिया मालदीव रिलेशनशिप, देखिए ये मैं प्रेजेंट कर रहा हूं सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड पे, वन स्टेप टूवर्ड्स यूनिफॉर्म। मेरा नाम है शुभम वाश ने, और ये आपकी तीनों तीनों एसएसबी में मदद करेगा, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। फटाफट चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारी प्यारी भारत माँ है, ये आप देख रहे होंगे लक्षद्वीप, तमिलनाडु, केरला, तो हमारी प्यारी भारत माँ है। यहाँ पर श्रीलंका आ गया, श्रीलंका से यहाँ पर आप देखेंगे दूर आते हुए तो आपको मालदीव दिखेगा, सिर्फ नाम दिख रहा होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअल में दिखता कैसा है। ये है मालदीव, ठीक है। अब इस मालदीव में ये आपको जो चीजें दिख रही है ना, ये अटोल, अटोल को वो जो जिसे हम आइलैंड कहते हैं, ये हमें अटोल कहते हैं, ठीक है। अब ये छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है मालदीव, और इसकी कैपिटल है माले। वैसे तो हिंदुस्तान के रिलेशन मालदीव से बहुत अच्छे रहे हैं, स्ट्रांग रहे हैं, ट्रेडिशनली स्ट्रांग रहे हैं, फ्रेंडली रहे हैं, और हमने फोकस किया डेमोक्रेसी पे, डेवलपमेंट पे, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस पे। उसके साथ साथ हमारी एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी होती है इक्यूब्रिन, जो कि एक प्लेटून लेवल पे होती है, 2009 से हो रही है, मतलब 2009 पर होती है, फिर एक साल छोड़ के फिर अगले साल होती है, मतलब 2011 2010 में नहीं होगी, मतलब बाय एक साल छोड़ के होगी, अल्टरनेट ईयर्स पे होगी, ठीक। अब इक्यूरेन का मतलब होता है दोस्ती, ठीक। पर इस दोस्ती में भी अप एंड डाउन आए हैं। जैसे अगर हम बात करें, पहले जो मालदीव से क्लोज रिलेशन था पाकिस्तान के साथ, क्योंकि दोनों ही एक मुस्लिम नेशन है, पर इंडिया वो एक देश था जिसने उसकी आजादी को रिकॉग्नाइज किया कि भाई आप एक इंडिपेंडेंट नेशन है, उनको माना कि आप एक इंडिपेंडेंट नेशन है, पर उस बात को उन्होंने तब नेग्लेक्ट किया। खैर कोई बात नहीं, उसके बाद ब्रिटिश कॉलोनी से जब आजाद हुआ 1965 में, मतलब इंडिपेंडेंस मिल गई, तो उनके जो एक प्रेसिडेंट बने अब्दुल्ला गगून, तो जो अब्दुल्ला गगून थे वो 1978 से लेके 2008 तक प्रेसिडेंट रहे वहां पर। उसके बीच में 80 83 और 88 तीन बार तख्ता पलट होने की कोशिश की गई, पर 88 में बहुत सीवियर हो गया था, मतलब वहां पर बहुत ज्यादा फोर्स थी और बहुत ज्यादा ताकतवर थे। तब एक मालदीवी ने रिबेलियन थे अब्दुल्ला लुतीफी, तो जो अब्दुल्ला लुतीफी थे वो श्रीलंका में एक बिजनेसमैन थे, जो कि मालदीव के, वैसे तो मालदीव के थे पर श्रीलंका में रहते थे, और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। पर वहीं पीपल लिबरेशन ऑफ तमिल ईलम, मतलब इसकी मदद से, और मालदीव रिबेलियन ने डिसाइड किया कि हम कू कर देंगे, ठीक है, हम बदल देंगे, हम तख्ता पलट कर देंगे। और जो तमिल पीपल लिबरेशन और तमिल ईलम राइवल था LTT के, ठीक है, मालदीव की सरकार ने मदद मांगी हिंदुस्तान से कि आप हमारी मदद करें, और ये जो तख्ता पलट होने की कोशिश हो रही है इसको प्लीज रोकें। तब थे हमारे PM राजीव गांधी, उन्होंने तुरंत पैराट्रूपर्स भेजे, और वहां पर ऑपरेशन कैक्टस के अंदर मालदीव में जो तख्ता पलट होने वाला था उसको रोक दिया। इसके बावजूद भी 2004 में वहां पर फ्लड आया, तब इंडिया पहला देश था जिसने रश किया मालदीव की मदद करने के लिए, और सपोर्ट किया बाय 10 करोड़। इसके साथ साथ जब ये सब हो रहा था तो कहीं ना कहीं एक अच्छे रिलेशनशिप बन रहे थे, तभी हमारे एक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ मालदीव के साथ 1981 में। बट 2013 से 18 वो एक ऐसा डार्क फेज था हिंदुस्तान के लिए और मालदीव के लिए और वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए, कि उसमें कई ऐसे ऐसे स्टेप्स लिए मालदीव ने जो कि बहुत हर्टिंग थे। क्या क्या थे? देखिए, सबसे पहले एक चाइना के साथ उन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर दिया। अगर आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं जानते तो मैं आपको उसके बारे में कुछ बताता हूँ। देखिए, एक चीज होती है इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्स। जब कोई ऑब्जेक्ट बाहर से आता है तो उस पर कुछ, ये कह लो चलान, या कहते हैं एक फी माउंट की जाती है, कि पहले आप ये फी आपके उसमें लगेगी और उसके बाद आप ये प्रोडक्ट बेच सकते हैं, ठीक है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, देखो एक आईफोन जो आता है XS, वो 74,000 का आता है USA में। वही आईफोन जब आप इंडिया में बेचते हैं एक्सेस, तो वो 94 से लेके 1 लाख तक का हो जाता है। तो वो जो ये प्राइस है, ऐसा नहीं है समुद्र में आते आते अपना प्राइस बढ़ गया, नहीं, वो इम्पोर्ट ड्यूटी या टैक्सेस लगाते हैं और उसकी वजह से इसका प्राइस 1 लाख हो जाता है, ठीक है। अब देखो, थियोरिटिकली तो ये कहा जाता है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है
वो इनोवेशन लेकर आएगा, लोअर प्राइस करेगा प्रोडक्ट के। कैसे? देखो, जब लोअर प्राइस हो, जब जब हर कंपनी कम दाम में प्रोडक्ट बेचने लगी, जैसे मालदीव और चाइना दोनों मान लो कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कम दाम में ही बेच रहे हैं, एक ही दाम में बेच रहे हैं, ठीक है, तो कस्टमर के लिए दोनों चीजें एक बराबर हो गई, तो वो तो क्वालिटी पे जाएगा, तो पहले तो क्वालिटी इंप्रूव होगी, ठीक है, क्योंकि दूसरी कंपनी को अपना प्रोडक्ट बेचना है तो कुछ नया होना चाहिए, तो इनोवेशन बढ़ेगा, ठीक है। बट इन द रियलिटी ऐसा नहीं होता। रियलिटी में क्या होता है, जो पावरफुल नेशन होता है वो ओवर पावर कर देता है स्मॉल नेशन की मार्केट को। कैसे? अब देखिए, चाइना को आप जानते हैं, वो एक मैन्युफैक्चरिंग हब है। आज भी अगर अपने फोन आप उठा के देखें, अब तो खैर मेड इन इंडिया लिखा हुआ आता है, पर अब भी अगर आपके 2017 या 2018 जनवरी तक के फोन है तो उसपे मेड इन चाइना लिखा हुआ आता होगा, ठीक है। अब मालदीव सॉरी चाइना की मैन्युफैक्चरिंग हब बहुत है, वो कुछ भी बनाते हैं आज की तरह, कुछ भी। आप अपनी राखी देख लो, अपनी गणेश चतुर्थी के गणेश जी देख लो, आप पटाखे देख लो, ठीक है, होली के कलर देख लो, उनके लिए कुछ काम का नहीं है, वो चाइना में बनाते भी नहीं सारे त्योहार, पर वो आपका मार्केट समझते हैं और वो आपका मार्केट खा सकते हैं इंडिया जैसे देश का। तो मालदीव का सोचिए वो क्या करेंगे, ठीक है। और मालदीव में जो इंडस्ट्री है ना, खाली फिशरी है, अंदर से मछली की इंडस्ट्री है वहां पर, तो कितना ऑक्यूपाई कर लेंगे, तो चाइना पूरी तरह से डोमिनेट कर लेगा मालदीव मार्केट। एक और बात, अब हमें इससे नुकसान और क्या हुआ, इससे हमें नुकसान ये भी हुआ कि जब इंडिया के जो प्रोडक्ट हैं चाइना ओ मालदीव में बिकेंगे, और जब चाइना के प्रोडक्ट बिकेंगे तो चाइना के प्रोडक्ट सस्ते होंगे एज कंपेरिजन टू इंडिया, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, क्योंकि कोई इंपोर्ट ड्यूटी या टैक्सेस है ही नहीं। अब इसके बाद इंडिया का कंसर्न क्या था रिगार्डिंग ट्रेड एग्रीमेंट, भाई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आ गया चाइना के साथ, ठीक है। मालदीव्स ने एक स्टेटमेंट दी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद, वो स्टेटमेंट ये थी कि मालदीव सेड इनविटेशन एक्सटेंडेड टू जापान, यूएसए, यूके एंड कंट्रीज ऑफ यूरोपियन यूनियन। हम अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आगे बढ़ाना चाहेंगे जापान के साथ, यूएसए के साथ, यूके के साथ एंड कंट्रीज ऑफ यूरोपियन यूनियन। अच्छा, पर इसमें इंडिया कहाँ था? इंडिया का नाम ही नहीं था यहाँ पर, तो एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न था। अब देखिए, इंडिया जो सामान एक्सपोर्ट करता है मालदीव में 282.9 मिलियन है, जबकि चाइना जो एक्सपोर्ट करता है वो 315 मिलियन है। अराउंड 40-50 मिलियन का आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। अब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद ये डिफरेंस और बढ़ जाएगा, इनफैक्ट ये इंडिया का जो मार्केट है वो कंप्लीटली डाउन कर देगा। अब आपको और क्लियरिटी आ गई होगी। अब देखिए, पैरल टू ट्रेड विद चाइना मालदीव जो कर रहा था, उसके बावजूद भी उसने कुछ ऐसे स्टेप लिए जो कि बहुत मेजर थे और मालदीव के फ्यूचर के लिए बहुत ही बुरे थे, और इंडिया और वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए तो बहुत ही ज्यादा। वो क्या थे? मालदीव ने 3.5 बिलियन का लोन ले लिया डॉलर, 3.5 बिलियन US डॉलर का लोन ले लिया ऑन द नेम ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। जुलाई 2015 में मालदीव ने एक अनाउंसमेंट की कि हमारा कोई भी अटोल, मतलब जो आइलैंड है, उसे आप ले सकते हैं, ठीक है, मतलब बाय कर सकते हैं, लीज ले बाय बाय कर सकते हैं, लीज कर सकते हैं, ठीक है। अब ऑलरेडी चाइना के पास एक मराउज नाम का आइलैंड है मालदीव का, ठीक है, आप यहां देख रहे होंगे हर जगह यहां पर सबमरीन डॉक या शिप डॉक दिखाई दे रहा है, पर यहां पर नहीं था, ठीक है। अब यहां पर भी अगर सबमरीन या शिप डॉक हो गया तो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए खतरा होगा, हम बात करेंगे कैसे। देखिए, उसके लिए आपको समझनी पड़ेगी मालदीव की जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस। मालदीव की जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है? आप देख रहे हैं यहां पर ईरान है, यहां पर बाकी गल्फ नेशन है जहां से ऑयल आता है, ठीक है। अब ये ऑयल आने का रास्ता अगर बंद हो जाए तो, जो कि यहां से आता है, ठीक है, मान लो आप यहां से भी आओगे तो कहीं ना कहीं ये एरिया मालदीव कैप्चर करता है, ठीक है, या यहां पर भी आएगा तो कैप्चर करेगा, ठीक। अब जब ये एरिया दोनों ही कैप्चर वो कर रहा है, तो अगर इसको यहां से आगे लेके जाना है तो इसको किसी की परमिशन चाहिए होगी, ठीक है। अगर यहां पर चाइना बैठा है, ऑलरेडी यहां पर तो चाइना बैठा ही है, मैं आपको दोबारा जरा क्लियर मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर चाइना आके बैठ गया, फिर यहां पर चाइना आके बैठ गया, तो दोनों ही रास्ते वो काट देगा ना, वो तो आपको आगे ही नहीं बढ़ने देगा, ठीक है ना, तो हिंदुस्तान की तरफ ऑयल आने देगा ना बाकी देशों के लिए ऑयल आने देगा, ठीक है। अब ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी ट्रेड रूट के लिए, यूएस के लिए, यूके के लिए और बड़े बड़े देशों के लिए, कि वो अपना आगे ट्रेड कैसे बढ़ाए। ये है इसकी जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि 2008 तक क्या क्या हो गया, जब ही आपने फ्री ट्रेड की बात कर ली, यहां पर अपना एक अटोल वो लीज पे दे देंगे, फिर उन्होंने क्या कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर 3.5 बिलियन का लोन ले लिया US डॉलर का, तो ये सब जो हरकतें की ये इन इंसान ने की जो इतना बड़ा मुंह बना के मुस्कुरा रहे हैं, इनका नाम है अब्दुल्ला यमीन। ये एक प्रोग्रेसिव पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टी है
मालदीव्स की, उसके लीडर है, वहां के अभी प्रेसिडेंट बने हुए थे 2018 तक। इन्होंने इनफैक्ट ये भी किया कि इंडिया के खिलाफ जो सपोर्ट ओबीओआर है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, और मैरिटाइम सिल्क रोड में चाइना का सपोर्ट किया, जबकि इंडिया उसके स्टैंड अगेंस्ट में रहता है हमेशा। ठीक है, इनके बाद इन्होंने डिक्टेटरशिप स्टार्ट कर दी। मतलब यहां पर इन्होंने जो टेररिज्म था और करप्शन अपने जो अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं उन पे इम्पोज कर दिया कि आपने ऐसा ऐसा किया है, और उनको जेल में डाल दिया बिना किसी सबूत के। ठीक, अवॉइड करे रिलेशन इंडिया और वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ। इनफैक्ट जो सुप्रीम कोर्ट है मालदीव का, वहां से ऑर्डर आया कि आप जो अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं, मतलब ये इनका नाम है मोहम्मद नसीब, ये पहले प्रेसिडेंट रह चुके थे, इन पे भी टेररिज्म और करप्शन के चार्जेस थे, ये एग्जाइल लेके यूके में रह रहे थे। ठीक है, तो इन पे भी ये चार्जेस थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये चार्जेस मोहम्मद नसीब और उनके पार्टी के जितने भी लीडर हैं उन सबसे आप हटाइए। ठीक है, बट उन्होंने इस बात को डिनाय कर दिया कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। ठीक, एक नया फेज स्टार्ट हुआ। इलेक्शन हुए 2018 में, इब्राहिम मोहम्मद सोली इलेक्शन जीत गए, इब्राहिम मोहम्मद सॉरी इलेक्शन जीत गए, और यहां पर वो एक नए प्रेसिडेंट के साथ आए। अब्दुल्ला यमीन का चैप्टर तो क्लोज हो गया, पर अब्दुल्ला यमीन ने जो अपने देश के लिए गड्ढे खोद रखे थे और जिन्हें दुनिया कहती है चाइना के पपेट थे, तो उनकी वजह से काफी नुकसान मालदीव को उठाना पड़ा। मालदीव की फटाफट एक पॉलिसी चेंज हुई और मालदीव ने एक मेजर स्टेप लिया अपनी फॉरेन पॉलिसी में, इंडिया फर्स्ट। अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि मालदीव ने 3.5 बिलियन डॉलर का लोन ले रखा था। ठीक है, अब जो 3.5 बिलियन का डॉलर का लोन है वो इतना बड़ा था कि मालदीव चुका नहीं पाता, और वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाता श्रीलंका की तरह। और जैसे श्रीलंका को हम्बनटोटा पोर्ट देना पड़ा, मालदीव को भी अपना पोर्ट या अटोल देना पड़ जाता। ठीक है, तो इंडिया के लिए मदद की तरफ आए, और इंडिया ने एक मिड टर्म लोन एग्रीमेंट किया 1.4 बिलियन US डॉलर का। ठीक है, अब इससे उनकी तकलीफें दूर तो नहीं हो गई, पर ये समझ लीजिए कम हो गई, कि अब वो कुछ ना कुछ इस हद तक हो गए कि वो अपना लोन रीपे कर पाएंगे। पर ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए रिजॉल्व नहीं हुई है। देखिए, मालदीव जैसे और भी कई देश हैं, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, वो सब डेब्ट ट्रैप में फंस सकते हैं चाइना के। चाइना लोन दे देता है पर उसका इंटरेस्ट बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो क्वाड ग्रुप है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो सबके सब फंस जाएंगे, और जो चाइना है वो अपनी जो मिलिट्री है वो वहां पर प्लेस कर पाएगा, और वहां कहीं ना कहीं एक डोमिनेंस बढ़ जाएगी चाइना की। ठीक है, और कहीं ना कहीं एक यूएस जो एक पावर शेयर कर रहा है आज की तारीख में चाइना के साथ, वो पूरी कंप्लीटली डोमिनेटेड हो जाएगी चाइना की। ठीक है, अब इसको रोकने का तरीका क्या है? इसको रोकने का तरीका है कि एक क्वाड ग्रुप है, आपको पता होगा, एक क्वाड ग्रुप है इनफॉर्मल का, इनफॉर्मल मेंबर्स का, वो है यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान। इन चारों को मिलके एक फाइनेंशियल लोन सिस्टम बनाना चाहिए छोटे छोटे देशों के लिए, जिनको वो लोन दे सकें। ठीक है, जिससे ये चाइना के डेब्ट ट्रैप में ना फंस जाए। अगर वो डेब्ट ट्रैप में फंस गए तो कभी निकल नहीं पाएंगे, और इसका तरीका सिर्फ यही है कि वो ये चार देश मिलके अपोज करें चाइना का। तो ये होता है हमारे वीडियो का एंड। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, फेसबुक का जो लिंक है वहीं पर आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी, और उसके साथ मैं कहूंगा जाने से पहले, देखिए हमारे पुलवामा में सीआरपीएफ की मार्टियर्ड हो गए, और ये बहुत जरूरी है कि हम उनके लिए अभी तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, और देश सरकार क्या फैसले लेगी वो तो बात की कहानी है, कि हम आगे इस टेररिज्म को कैसे एक्ट करेंगे, पर अभी हम उनके परिवारों के लिए कुछ कर सकते हैं। मुझे पेटीएम कोई चार्जेस नहीं दे रहा, मुझे कोई प्रमोशन के लिए नहीं दे रहा है, बट मुझे ये लगता है कि सीआरपीएफ की यहाँ पर एक सीआरपीएफ ब्रेव हार्ट का एक ऑप्शन है, यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ डोनेट करना चाहिए, जिससे उनकी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ मदद हो जाए। तो अगर आपके पास कोई और भी ऑप्शन है जिसकी मदद से आप इनकी फैमिली की मदद कर सकते हो, प्लीज कमेंट डाउन में बताएं। इसके साथ आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें जरूर। ठीक है, यहां पर आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन और मिलती रहेगी, और यहां पर मेरा एक इंस्टाग्राम पेज भी है जिसका नाम भी सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड है, आप उसे सर्च कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद।